बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के एनवलॉप एंड एवल्यूट चैप्टर से है। फाइंड द एनवलॉप ऑफ द लाइन एक्स अपान ए प्लस वाई अपान वी इज इक्वल टू वन व्हेन ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन इज इक्वल टू के टू द पावर एन। इस टाइप के सभी प्रॉब्लम जिसमें एक से ज़्यादा इसमें पैरामीटर्स दे रखे हों, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक तीसरे दूसरे पैरामीटर की ज़रूरत होती है, यानी अदर तीसरे पैरामीटर की ज़रूरत होती है। और मान लेते हैं कि ये जो पैरामीटर हमें ए और बी दे रखे हैं, ये इस पैरामीटर के फंक्शन होते हैं। इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। लेट ए एंड बी, यानी ए और बी को हम मान लेते हैं, लेट ए एंड बी बी फंक्शंस ऑफ सम अदर पैरामीटर, और उस पैरामीटर को हम कह देते हैं से टी ठीक है देते हैं। अब हम जो गिवन इक्वेशंस हैं उनको यहाँ पर नोट कर लेना चाहिए था। तो एक्स अपान ए प्लस वाई अपान वी इज इक्वल टू वन, इसको इक्वेशन नंबर वन देख लिया हमने। दूसरा इक्वेशन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इज इक्वल टू के की पावर एन, दूसरा इक्वेशन इसे इक्वेशन नंबर टू लिख दिया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, जिसके टी के लिए एक्स और वाई कांस्टेंट होंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में हम पहले वाले इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसमें एक्स कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, और जो वन अपान ए ए को जब ऊपर ले जाएंगे, यानी वन अपान ए है ऊपर ले जाएंगे, तो ए की पावर माइनस वन हो जाएगी, और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे पावर आगे आ जाएगी, और जितनी पावर होगी इसमें से एक कम हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये ए नहीं था, ये टी नहीं था, ये ए था, तो इस ए का भी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, वो इतना आ जाएगा। इसी तरीके से वी के लिए भी होगा, ये हमने रफली आपको बता दिया। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो जब फर्स्ट टर्म यानी एक्स अपान ए का हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, अगले पेज पर ये लिखने जाते हैं, तो एक्स कांस्टेंट हो गया, और यहाँ पर जो वन अपान ए है उसका डिफरेंशिएशन अभी हमने बता दिया था, माइनस ए की पावर माइनस टू इंटू डी ए ओवर डी टी हो जाएगा, प्लस का साइन। उसके बाद दूसरा टर्म है एक्स वाई अपान वी है, वाई अपान वी का डिफरेंशिएशन करना, तो वाई तो कांस्टेंट है, और वन अपान वी का डिफरेंशिएशन इसी तरीके से हो जाएगा, माइनस बी की पावर माइनस टू डी वी ओवर डी टी। और राइट हैंड साइड में वन है, कांस्टेंट है, और वन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में ज़ीरो हो गया। वो इक्वेशन को हम माइनस से डिवाइड कर सकते हैं, इस पावर को प्लस करना है, तो ये पावर जो कि माइनस में है टू, ये प्लस में आ जाएगी, यानी एक्स अपान ए स्क्वायर हो जाएगा डी ए ओवर डी टी, प्लस ऐसे ही वाई अपान वी स्क्वायर हो जाएगा डी वी ओवर डी टी। राइट हैंड साइड में ज़ीरो, इसको इक्वेशन नंबर हम थ्री डाल देते हैं, ये वन टू तो हो चुके हैं। अब इक्वेशन नंबर टू को, जो कि जो कंडीशन थी, एक रिलेशन था इन पैरामीटर्स के बीच में, वो उसको भी हमें एक तीसरा जो पैरामीटर हमने टी लिया उसके रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंसीशन करेंगे, जैसे कि अभी लिखा था, इसको दोबारा से हम लिख देते हैं। Differentiating equation टू with respect to t, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन करेंगे, तो पावर आगे आ जाएगी, और जितनी भी पावर होगी उसमें से एक कम हो जाएगा। लेकिन ये t नहीं था, ये तो a था, तो a का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन करेंगे, प्लस का साइन, और फिर हम नेक्स्ट टर्म इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसमें भी पावर एन आगे आ जाएगी, और जितनी भी वी की पावर उसमें से कम, लेकिन ये टी नहीं था, ये तो वी था, तो वी का दोबारा से चेन रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन करेंगे। राइट हैंड साइड में
के भी कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है ज़ीरो। पूरे इक्वेशन को एन से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो एन को एन से डिवाइड करने के बाद हमारे पास ए की पावर एन माइनस वन डी ए ओवर डी टी बचा हुआ है, प्लस वी टू द पावर एन माइनस वन डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको इक्वेशन नंबर फोर डाल देंगे। अब इक्वेशन नंबर थ्री और फोर के कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग इसी चीज़ को हम लिख देते हैं, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स कोएफिशिएंट्स ऑफ डी ए ओवर डी टी एंड डी वी ओवर डी टी। तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ डी ओवर डी टी डी वी ओवर डी टी इन इक्वेशंस इन इक्वेशंस थ्री एंड इक्वेशन फोर थ्री और फोर। तो यहाँ पर देख रहे हैं डी डी ओवर डी टी को कोएफिशिएंट एक्स अपान ए स्क्वायर है, तो आपको इसको न्यूमरेटर में रखना है और डिनोमिनेटर में कर दीजिए डी ओवर डी टी का कोएफिशिएंट जो इक्वेशन नंबर फोर में है ए टू द पावर एन माइनस वन, और इसको इक्वल रख दीजिए जो डी वी ओवर डी टी को कोएफिशिएंट है वाई अपान बी स्क्वायर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में इसमें डी वी ओवर डी टी कोएफिशिएंट बी टू द पावर एन माइनस वन है। इस कोएफिशिएंट को रखने के बाद आपको इक्वेशन नंबर टू का यूज़ करना होता है, और इक्वेशन नंबर टू और वन का भी यूज़ हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन उसके लिए इस जैसा बनाने के लिए यानी आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड इसमें एक्स अपान ए वाई अपान बी बनाना है और इक्वेशन नंबर टू में ए की पावर एन बी की पावर एन बनाना है। इस सब बनाने के लिए आपको इसमें से एक पावर को ड्रॉप करना होगा ए की, ये नीचे आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऐसे ऐसे छोड़ देंगे एक पावर दो नीचे आके गिरेगी और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगी एक्स अपान ए ऐसे लिखा रहने दें क्योंकि दो पावर थी एक पावर हम इसके नीचे ले आए, और जब नीचे लाएंगे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए के साथ ए की पावर एन माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए और ए की पावर एन माइनस वन का जब मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाती है, इसमें पावर ऐड होने पर ये पावर एन बचेगी। ऐसे ही यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वाई अपन वी और वी की पावर एन। तो यहाँ पर अब रेशियो का जो फार्मूला होता है तो उसका यूज़ कर सकते हैं, यानी ये वैल्यू चल रही है, ये वैल्यू हमारे पास अभी मौजूद है, इसको लिखते हुए वाई अपान वी सेम ऐसे लिख दें, उसके बाद रेशियो ये होता है कि इन दोनों को ऐड करेंगे, रेशियो का जो रूल होता है तो वही वैल्यू जो है वो इन दोनों को ऐड करने पर मतलब इनका रेशियो भी वही आएगा, इनका ऐड करके डिवाइड करें इनके ऐड करके डिवाइड से तो जो रेशियो चल रहा है उसी के बराबर ही आएगा। इक्वेशन नंबर वन से ये वैल्यू वन के इक्वल है तो इसकी जगह तो हम वन रख देंगे, इक्वेशन नंबर टू से ये वैल्यू के की पावर एन के इक्वल है इसके बराबर रख देंगे, ये वैल्यू चल रही है इसके बराबर। अब इसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है तो आप इसे नीचे ले आएँ, यानी ए को जो बचा हुआ वो भी इसके साथ में ऐड कर देंगे, तो एक्स अपान ए की पावर इसमें एक और जुड़ जाएगी एन प्लस वन हो जाएगी, ऐसे वाई अपान बी की पावर हो जाएगी एन प्लस वन हो जाएगी। तो यहाँ पर हम अब ए और बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर टू में पुट करने के लिए पहले फर्स्ट और थर्ड को आपस में इक्वेट करें, यानी एक्स अपान ए की पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू वन अपान के की पावर एन, ऐसे सेकेंड और थर्ड को इक्वल करेंगे तो y अपान b की पावर n प्लस वन की वैल्यू हो जाएगी वन अपान k की पावर n। अब हम अगले पेज पर देखते हैं, अगले पेज पे ये वैल्यू लिखेंगे उसमें इनका हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो a की पावर n प्लस वन की वैल्यू हमें मिलेगी a टू द पावर, अगले पेज पर हम लिख रहे हैं a की पावर n प्लस वन की वैल्यू मिलेगी k की पावर n इंटू x, इसी तरीके से b की पावर एन प्लस वन की वैल्यू मिलेगी के की पावर एन इंटू वाई। तो यहाँ से हम चूँकि हमें ए फाइंड करना है तो ए प्लस एन को हटाएं, तो ए एन प्लस वन थ रूट जब लगाएंगे दोनों साइड
तो इस तरफ तो वन आ जाएगी पावर, जो लिखना ज़रूरी नहीं, यहाँ पर वन अपान में आ जाएगा एन प्लस वन, यानी ये पावर अपान में पहुँच गई। इसी तरीके से भी फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी के की पावर एन वाई वाई होल पावर वन अपान एन प्लस वन। ए और बी की ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर टू में पुट कर देंगे तो हमको गिवन जो रिक्वायर्ड एनवेलोप का इक्वेशन है वो फाइंड हो जाएगा। पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन वन, इक्वेशन टू सॉरी, वहाँ पर क्या था आपको मालूम ही है, ए की पावर एन थी, तो ए तो हमारे पास इतना है, यानी के की पावर एन एक्स होल पावर वन अपान एन प्लस वन, तो ए की पावर थी एन प्लस बी की पावर थी एन, राइट हैंड साइड में के की पावर एन। तो यहाँ पर ए की वैल्यू मैंने पुट कर दी, बी की वैल्यू भी पुट कर दी, के की पावर एन वाई और होल पावर है वन अपान एन प्लस वन। अब यहाँ पर जो इंडेसेस हैं उनको थोड़ा सा हम लोग सुधार करके अच्छी तरीके से लिख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। यानी इसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, किसी भी ब्रैकेट को पहले ओपन कर सकते हैं। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पावर n अपान n प्लस वन हो जाएगी। ऐसा ही यहाँ पर भी होगा, k की पावर n y और होल पावर n अपान n प्लस वन, राइट हैंड साइड में k टू दी पावर n। ऐसे ही हम यहाँ पर आगे भी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, यानी ब्रैकेट हटाएंगे तो दो यहाँ पर फैक्टर हैं, दोनों की पावर इतनी आ जाएगी, यानी k की पावर n की पावर भी आ जाएगी n अपान n प्लस वन, ऐसी x की पावर भी आ जाएगी n अपान n प्लस वन। ऐसे यहाँ पर k की पावर n की पावर भी आ जाएगी n अपान n प्लस वन, और यहाँ y की पावर भी आ जाएगी n अपान n प्लस वन, राइट हैंड साइड में k की पावर n है। और यहाँ पर देखने की ये चीज़ जो है दोनों में कॉमन है, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं, k की पावर n और होल पावर एन अपान एन प्लस वन को बाहर ले लिया, तो हमारे पास जो बचेगा उसको ब्रैकेट में हम यहाँ पर नोट कर देते हैं, एक्स की पावर एन अपान एन प्लस वन प्लस वाई की पावर एन अपान एन प्लस वन, राइट हैंड साइड में के की पावर एन है। अब यहाँ पर ये कर सकते हैं, पावर को कलेक्ट कर लें कि दोनों साइड हैं, पहले हम इससे ब्रैकेट को अगर यहाँ पर ओपन कर देते हैं तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लाई होने पर एन स्क्वायर अपान एन प्लस वन आ जाएगा, और यहाँ पर एक्स की पावर एन अपान एन प्लस वन प्लस वाई अपान एन प्लस वन, बाकी तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, ऐसे लिख दिया। अब हम इसको राइट हैंड साइड में पहुँचाएँगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ये ब्रैकेट ही हमारे पास बचेगा, एक्स की पावर एन अपान एन प्लस वन वाई की पावर एन अपान एन प्लस वन, राइट हैंड साइड में ये के की पावर एन से ये डिवाइड हो जाएगा, के की पावर एन स्क्वायर अपान एन प्लस वन, यानी ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है इसे लगाने की, एक्स की पावर एन अपान एन प्लस वन प्लस वाई की पावर एन अपान एन प्लस वन इजिकल टू, अब चूँकि बेस सेम है के, तो आप क्या करें न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को माइनस कर देंगे एन स्क्वायर अपान एन प्लस वन को। अब राइट हैंड साइड में ही कैलकुलेशन है तो उसी को हम यहाँ पर लिख देते हैं, अपान में वन कर लीजिए, वन और एन प्लस वन का एलसीएम तो एन प्लस वन आ जाएगा, एन प्लस वन का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा एन वन एन में, और वन का यहाँ पर इंटू हो जाएगा एन स्क्वायर में। तो लेफ्ट हैंड साइड जैसा था वैसे अब अगले पेज पर नोट कर देते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, जो भी कैलकुलेशन है वो राइट हैंड साइड में रहेगा हमारा। तो x की पावर n अपान n प्लस वन प्लस y टू दी पावर n अपान n प्लस वन, तो राइट हैंड साइड में k की पावर हम देख रहे हैं कि ब्रैकेट जब ओपन होगा यहाँ पर तो n स्क्वायर प्लस n आएगा माइनस का n स्क्वायर, तो n स्क्वायर
एन स्क्वायर प्लस एन और माइनस एन स्क्वायर चल रहा था, अपान एन प्लस वन है, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो चुका है। तो हमें जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एनवलोप चाहिए था कर्व का वो हमको मिल चुका है, लाइन का जो एनवलोप चाहिए था वो आ चुका है गिवन कंडीशन के साथ। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।